हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आई टेक अप इन द यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। आज की इस ब्रांड वीडियो में बात करने वाले कि कॉन्टेक्ट फोटो एंड पोस्टर डिसेबल इन iOS 17। रिसेंटली एप्पल ने iOS 17 को आईफोन एंड आईपैड यूजर्स को रिलीज कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि बहुत ही सारे यूजर्स का क्वेश्चन है कि हमारे आईफोन में iOS 17 को अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोटो एंड पोस्टर डिसेबल आ रहा है। बहुत ही सारे आईफोन यूजर्स का क्वेश्चन है कि ये प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके आईफोन के अंदर थोड़े स्टेप फॉलो करके इजीली आप ये प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। सॉल्यूशंस नंबर वन की बात करें तो आपका एप्पल आईडी दूसरे आईफोन, आईपैड या तो मैकबुक में लॉगिन है तो साइन आउट कर दीजिए। जैसे कि आपका ये मेन फ़ोन है उसके सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपके नाम पे चले जाना होगा। यहाँ से आपको जितने भी डिवाइस है वहाँ पे पता चल जाएगा, उसी सभी डिवाइस में आपको एप्पल आईडी को साइन आउट कर देना होगा। और सॉल्यूशंस नंबर टू की बात करें तो जनरली बहुत ही सारे आईफोन यूजर्स अपने आईफोन में iOS 17 बीटा वर्जन को यूज़ करते हैं। उन सभी यूजर्स को iOS 17 का पब्लिकली रिलीज अभी रिसेंटली हुआ है, उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद इसको डाउन करके आपको जनरल में जाना होगा। जनरल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको एक ऑप्शन मिलता है बीटा अपडेट्स का, वहाँ से बीटा अपडेट्स को ऑफ करके ईजिली आपको iOS 17 का पब्लिक वर्जन को डाउनलोड इंस्टॉल करके ईजिली ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। सॉल्यूशंस नंबर थ्री की बात करें तो iOS 17 को अपडेट करने के बाद कॉन्टेक्ट फोटोज़ या तो जो पोस्टर का सेटिंग्स है वहाँ पे आपने शेयर कॉन्टेक्ट की जगह पे आपके अदर पे सिलेक्ट कर लिया होगा। वो सेटिंग्स को चेंज या तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट ऐप को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको टॉप कॉर्नर पर आपको माई कार्ड का ऑप्शन मिलता है, माई कार्ड के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट फोटो एंड पोस्टर का। यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोटो एंड पोस्टर के अंदर अगेन टैप करना होगा, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शेयर ऑटोमेटिकली। शेयर ऑटोमेटिकली में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कॉन्टेक्ट ओनली एंड ऑलवेज आस्क, तो आपको सिलेक्ट करना होगा कॉन्टेक्ट ओनली। ये चीज़ को चेंज करने से भी आपके आईफोन के अंदर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। सॉल्यूशंस नंबर फोर की बात करें तो आपको अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाके शो माई कॉलर आईडी को टर्न ऑन कर देना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन के अंदर सेटिंग्स ऐप को ओपन करना है। सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको फ़ोन में जाना होगा। फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शो माय कॉलर आईडी, उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे शो माय कॉलर आईडी टर्न ऑफ हो तो सिंपली यहाँ से ऑन कर दीजिए। ये शो माय कॉलर आईडी से भी आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सॉल्यूशंस नंबर फाइव की बात करें तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोटोज़ एंड पोस्टर को नया क्रिएट कर लेना होगा। नया कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे टैप करके चेक कर सकते हो। सॉल्यूशंस नंबर सिक्स की बात करें तो बहुत ही टाइम आईफोन यूजर्स अपने आईफोन के आई मैसेजेस को ऑफ रखते हैं, तो यहाँ से आपको ये आई मैसेजेस का फंक्शंस को टर्न ऑन कर देना होगा। उसको टर्न ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अगेन सेटिंग्स ऐप को ओपन करना है। जैसे ही सेटिंग्स ऐप को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको मैसेजेस के अंदर जाना होगा। मैसेजेस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है आई मैसेजेस का, आपके आईफोन में टर्न ऑफ हो तो सिंपली यहाँ से आपको आई मैसेजेस को ऑन कर देना है। सॉल्यूशंस नंबर सेवन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन है, आपके आईफोन को वन टाइम रिस्टार्ट कर लेना होगा। रिस्टार्ट करने के लिए अगेन आपको सेटिंग्स ऐप को ओपन करना होगा। सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको जनरल में जाना होगा। जनरल के अंदर लास्ट ऑप्शन मिलता है शटडाउन का। शटडाउन के अंदर आपको स्लाइड टू पावर ऑफ करने के बाद 20-30 सेकंड वेट कीजिए। वेट करने के बाद फिर से आपको अपने आईफोन को ऑन कर लेना होगा। इस तरह से आप इजीली ये प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस की बात करें तो जनरली आईफोन यूजर्स अपने आईफोन का सेटिंग्स को छेड़ देते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम शो होता है। तो ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको रिसेट ऑल सेटिंग्स कर लेना होगा। रिसेट ऑल सेटिंग्स करने के लिए अगेन आपको सेटिंग्स ऐप को ओपन करना है। सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके जनरल में जाना होगा। जनरल के अंदर आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलता है रिसेट एंड ट्रांसफर आईफोन, वहाँ पे आपको रिसेट सिलेक्ट करना होगा। रिसेट के अंदर आपको फर्स्ट वन ऑप्शन मिलता है रिसेट ऑल सेटिंग्स। रिसेट ऑल सेटिंग्स में आपका डेटा तो लॉस नहीं होगा बट आपका सेटिंग्स डिफॉल्ट मोड में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।